ढक 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 एकदम बाइस हो गया दोस्तों। कितना मजे से फूट रहा है ना अदौरी, कितना मस्त एकदम बनाया है सुमा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज रूबी ना कपड़ा कठौत लेके उठ रहे हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ले तो ये सारा काम है, दैनिक कार्य है, तो करना तो पड़ेगा ही ना। सासू माँ बोल रहे हैं कि बेटी का उसका ब्रश वोश कर लेते हैं, ले उठ ले तो। नहीं, सब कर लेंगे, तो बाबू का ड्रेस भी ये सूखेगा नहीं ना। है कि देख रहे हैं बरसात का मौसम है, तो और आपका इतना सारा कपड़ा है, ये सारा ही फिट कर रहे हैं। और हमारे डुबू साहब, इनको ठंडा लग रही है और बाहर में बैठ कर ना इंजॉय ले रहे हैं मौसम का, टोपी पहना दिए हैं। तबीयत इनका खराब हो जा रहा है, तबीयत खराब हो जा रहा है ना, प्लस दिन हाथ से डर है ना, क्योंकि डॉक्टर बोला जितना अभी ढक के रखे उतना अच्छा रहेगा। रात को बुखार लग रहा है इनको सिर्फ मौसम चेंजिंग की वजह से। और अभी सब बेड उड एकदम फाइनल एकदम कंप्लीट कर दिए हैं, तो ये देखिए सब चेंज कर दिए टनाटन। इस रूम में भी पूरा साफ एकदम कर दिए हैं। कपाट में डाल दे, कपाट में डाल दे। देखिए हम फिर डालिए, अपना डालिए। अभी बोले कपाट में डाल दिए, डाल दे मेरा मुझे नहीं कैसे बोले कपाट में डाल दीजिए, तो डाल दे रहे हैं हम। ये देखिए कपाट में डाल, इनको लग रहा है ठंडा। टोपी खोल दिए, बाल देखिए कैसा हुआ से, पसंद नहीं है ये अपने से पहनना है, पहनने आ रहा है, नहीं आ रहा तो कहे पहन रहे हैं। अपने भाषा में कुछ बोल दिए, उर्दू भाषा नहीं बोलते हैं, जिब्रानी नहीं बोल जाता होगा बढ़िया से तो कुछ बोल देते हैं, थोड़ी पता चलता है क्या बोल रहे से। आज मौसम थोड़ा सा न तो पहले झिमक था सिर्फ पानी, तो ऐसे में कपड़ा हम लोग एक सप्ताह से लोग बढ़िया से नहीं खींच रहे हैं, जो निहार रहे थे सही है। 3 दिन हो गए, 4 दिन पानिया गिरा था, तो कैसे करेंगे हम लोग? अभी थोड़ा सा फ्रेश हुआ है तो सोचा सब साफ कर दे। छोड़िए ना माई, आप आराम कीजिए ना, रुबी टन टन हो गई, टेंशन मत लीजिए। बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है, तो वही ना बोल रहे आप, क्या टेंशन ले रहे हैं? दोस्तों आज धोबिया घाट लगा हुआ है, चारों तरफ कपड़ा ही कपड़ा गांव से रखे हुए हैं। है कि इतना लगातार बारिश हो तो भी कपड़े धो नहीं पा रहे थे बेडशीट वगैरह। अब देखिए धूप बहुत अच्छा है, हल्का हल्का निकल रहा, लेकिन ना निकल जाएगा धूप, निकल जाएगा। एक को खिलाने के लिए 2 आदमी हाजिर है, तब एक आदमी खाएगा। तब खाएगा वो खो 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 बच्चा लोग बड़ी मम्मी का करती है, बच्चा लोग बड़ी प्यार से खिलाए, बोले बेटी ऐसे ना बड़ा हुआ था। हाँ हाँ जान गए जान गए। आओ तो आओ मम्मी, आलू को भूंजी अच्छा की जो भून दी थी। दोस्तों बना है आज अदौरी, कितना मस्त एकदम बनाया है सुमा। इधर है हमारा आलू वाला पराठा, इतना अच्छा ये बनाई है, रस्सा देके वाव। उदिन दाल का जो बनता है ना अदौरी, वही मम्मी बनाई है। अदौरी ना खाने में बहुत स्वाद लगता है, लगता है जैसे कि ऐसे क्या है, लेकिन कभी जो खाए होंगे वही जानते इसका स्वाद। हमको तो रस्सा बहुत अच्छा लगता है इसका, और मम्मी के हाथों से बना है तो और भी यम्मी दिख रहा है। तो दोस्तों फाइनली हमारा सुबह का ये रहा नाश्ता, बाबू को नाश्ता करा दिए, अभी जा रहे हम लोग फटाफट से, हम मम्मी और डोगो के पापा तीनों को नाश्ता कर लेते हैं। अरे ये तो भूल गया, अरे तिल वाला तिलौरी खाने में बड़ा यम्मी लगता है, मुलायम। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों सासू माँ और रूबी दोनों ही भिड़े हुए हैं मकई निकालने के लिए। मक्का क्यों निकाल रहे हैं? भुनेंगे भुनेंगे
तो लावा वाला मकई इनको भूनना है अभी। मौसम जो है ना फ्रेश नहीं है, बारिश हो रही सो हो रही है, खुलने का कोई नाम नहीं है। सुबह में लगा था कि बारिश नहीं होगा, सारा कपड़ा निकाल के धो दिए है, अब दोपहर हुआ भी नहीं है, बारिश शुरू हो गया। और बरसात के मौसम में तो कुछ कुछ ना सोन सोन खाने का मन करता ही है। दूसरे मम्मी है देख लेते, मम्मी से ही भुजवा लेते हैं और सीख भी लेंगे, फिर उन बाद में काम आएगा। इधर कपड़े जो है ना सारे कुर्सी पर डाल दिए हैं और इस चेयर पर भी डाला हुआ है कपड़ा। कपड़ा तो सूखेगा नहीं, लेकिन चलिए फिचा गया, और अगर नहीं सूखा तो पता है कैसा हो जाता है, वही प्रॉब्लम है। इनको मना किए थे इतना कपड़े का फिचना जरूरी नहीं है, बरसात का समय है ना, कभी बारिश हो सकती है, लेकिन सुनना तो है नहीं। इधर साइड में कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, इसमें नमक डाल दिए हैं, नमक पूरा गर्म हो जाएगा, इसके बाद इसमें भूनना शुरू करेंगे। तो सिर्फ मकई भूनना है या फिर और कुछ? मक्का, सिर्फ मक्का, चना। ओ तो आज लगता है खसिया बनाने वाले है ना। घर का मक्का है दोस्तों, जो हमारा खेत में हुआ था। दोस्तों डाल दिए हैं कढ़ाई में मकई, देखिए कैसे नाच रहा है, उछल उछल तो भाग रहा है। अरे बाप रे बाप, थाली दो, थाली दो, सब उछल रहा है दोस्तों मकई। मकई ना पूरा फूट रहा है, इसलिए घर सासू माँ जो है इसको झाड़ दिए हैं, क्यों उठा दिए अंदर तो भटंग भिटिंग हो रहा है। मकई सब बिन बटी, मकई बिन बटा। इधर से मकई गिर गया है तो भी सब बिने जा रहे हैं। सूप में पेपर रख दिए हैं और ताकि सूप ना जले। अब ये अच्छी तरह से भून जा गया, कितना मस्त से भून जाया है। फिटिंग फट रहा था, लावा निकाल रहे हैं पहले, इसके बाद ये लावा नहीं, ये अथी ना हुआ फुटहा लावा, तो वो निकलेगा, कौन निकलेगा लावा, ये है ना लावा। हाँ, ये तो ठोरी निकलता है। अच्छा ठोरी उसको बोलते हैं। हाँ, लावा निकल गया, ठोरी निकलेगा। ओ दोस्तों इधर निकल रहा है अभी बादाम, और दूर साहब बादाम खाते हैं। छोटी सरकार के लिए बादाम भुंजा रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना, देखने में बड़ा मजा आ रहा है। बताते कि रंगदार है, रंगदार है, मम्मी रंगदार कर रही है। ये ज्यादा नहीं फूटेगा, थोड़ा थोड़ा फूटेगा, लेकिन ना मम्मी गरम है ना, हो बोले गरम, ये भी फूटने लगा, पटर पटर कर रहा है, खेसारी का फट गया। सीम का दाना रहता है ना माँ, सीम वाला माँ ने कितना मजा आता, ला दे सीम, सीम कहाँ ही मिलेगा मार्केट में, ना फूटने लगा, हो गया। तो ये देखिए झकास एकदम लाल भून जा गया है। दोस्तों अब इधर चावल भून जाने लगा, हर एक चीज भून भून कर रख दे रहे हैं रूबी को खाने के लिए, कब मन करेगा। ये देखिए एकदम बारिश हो गया दोस्तों, नहीं तो बन गया। कितना मजे से फूट रहा है ना मामा, वाह, घर वाला चावल जो था वो वाला ऐसा फूट रहा है, नमक अलग हो जाएगा, मुरी अलग हो जाएगा, चाल सकते हैं कि नहीं,
ये पवन ना जल जाए, ये पता नहीं चलेगा आग थोड़ी है उसी पेपर पे उसकी देंगे। अब देखिए हम थोड़ा थोड़ा करके बालू साइड में कर ले रहे हैं, मतलब कि थाली में, और इधर बच जा रहा है हमारा मुरही। हमारा बेगूसराय बाग है, उनका बादाम ना फेवरेट है भुंजा हुआ, कभी डब्बा में सजार के रख रहे हैं बादाम को। हम खा रहे दोस्तों, हटक रहा है। आज देखो मम्मी के हेल्प करते रहे थोड़ा सा, हेल्प नहीं कर रहा जी। एक बदाम उठा कर रखे क्या करे बेचारा, छोटा सा के हाथे है। ढक्कन दोस्तों बंद हो रहा है, थोड़ा सा इनका खाने में बदाम हो गया इनका, आप लोग छाट कर रख लिए। ये जो नमक है दूध में थोड़ा ही पड़ जाना तो फट जाता है, इसलिए थोड़ा तो साफ करने के बाद तब जो है दूध को चढ़ाएंगे। दूध हमने यहाँ पर ढक कर रख दिया इनका, तो अरे मेरे बोलू क्या कर रहे बेटा आप, मम्मा का हेल्प कर दे रहे बोलू। ये तो आपके लिए खाने वाला सामान था तो खाते हैं यार, मम्मा रख देती। इसमें नहीं बेटा, इसमें नहीं बेटा, इसमें नहीं बेटा, अलग अलग रखे बोलू। नैनुआ तोड़ दिया ही मम्मी, मौसम दोस्तों एकदम फ्रेश हुआ है। मम्मी को कुछ देगी ना तो ले जाएगी नहीं, जबरदस्ती हमको करना पड़ता है। यो जीते ना तुमने समझाया, मम्मी वहाँ नहीं खर रहा है, घरे खर रहा है तो ले जाइए ना। परेशान कर दिया है तो अभी तो कीड़ा कदवा मारे है तो, लेकिन देखिए क्या होता है। तो ऊपर चढ़ गए और यहाँ देखते हैं कुछ नीमत तोड़ लेते हैं। नीचे से लोग थे का, ये एक दो पीस है और का उधर समाई तोड़ रहे नीचे। दोस्तों यही चार पीस नीमत निकला और थोड़ा सा ले लिए हैं। ये पपीता कच्चा वाला पपीता घर में खाने के लिए हो जाएगा, घर में सामान कहा निकली थे कुछ, इतना पानी गई थे कुछ फल ही नहीं रहा है। बड़ा होता भी चार पीस ला रही है, भेज दे रहे हैं भाभी को, करेला उन दिन को अच्छा लगता है तो भेज दे रहे हैं। नहीं तो क्या करें दोस्तों, अभी हो चुकी है शाम और अभी जाके थोड़ा सा बारिश जो है ना वो कम हुआ है। और इधर देखिए ये काफी ज्यादा परेशान है, ये मार्केट गए तो पूरी तरह से भींग गए थे। बाइक भी अच्छे से नहा लिए, चलिए नहाए है, नहाया नहीं बाइक। हाँ तो आप ही नहाए, हम कहाँ बोल रहे हैं कि खुद से नहाया है। इधर कुछ कपड़े यहाँ पे हम छोड़ दिए हैं, अभी सारा बाइक पे डाल देंगे। गाड़ी जो है ना कपड़ा का स्टैंड बन जा रहा है। सब कपड़ा टांग दिए हैं, तो था कीजिएगा तो ही ना बेकार फींच दिए थे, ये सूखने वाला नहीं जल्दी। नहीं धूप निकलेगा तो सूख जाएगा जी, इतना टेंशन नहीं लेना है। लग रहा है सुबह धूप निकलेगा ही निकलेगा, थोड़ी देर सब सामान इधर से उधर हो जाता है पूरा। उसी तरफ बाबू का बाइक साइड में कीजिए, इधर सामान अगर ना मिल जाए तो दूर से है पूरा सामान रिंग बिन इन्हें सोने कर कर देते हैं। दोस्तों भी हो चुकी है शाम और आज का ही रात है हमारे पास मम्मी के साथ टाइम बिताने के लिए, क्योंकि भाभी के एग्जाम है आप तो जानते हैं और मम्मी को जाना पड़ रहा है। वैसे ही मम्मी आई, बहुत बहुत अच्छा लगा। और वही मम्मी और डुबू देखिए दोनों अंदर मस्ती कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों चल रहा है नाती नानी का मस्ती। लेकिन दोपहर में पता था आपको
मम्मी की गोदी में डुब बैठे हुए थे एकदम आराम से, वही वही मुझे जाते आते बेटा माया डाल रहा है ठीक है, देख रहे टंगरी कैसे कर रहा है। डुब बहुत देरी बाद मोबाइल दिए हैं क्योंकि आप मोबाइल बहुत कम दे रहे हैं बाबू को, जब खाना खिलाते हैं तो मजबूरी में देना पड़ता है, और अभी तो फिलहाल दिए है। देखिए देखिए हंस रहे, देखिए नहीं देखिए दांत ऐसे बड़ा तीर लगा था कि सही जाके तो मार पाटे था वो किसी ने ना खुदा लाए तक ना है तो हाँ तो मम्मी को तो आना ही पड़ेगा, कोई चांस है नहीं का जी का करिए, एकदम टेंशन है तो ना हो गए ना कि जाके कॉफी जाके देखी हम ना है तो एकदम से नींद ना लग लग दो बजे रात को गाय धर के हमारी ना है तो। और अब लेकिन मम्मी को विदा नहीं करेंगे 2 बजे रात को, मम्मी को आराम से विदा करेंगे। आंसू माँ को बहुत हम लोग रख लिया और अच्छा भी लगा, लेकिन अब रूबी का तबीयत ठीक है, इनका कहना है कि माई हम ठीक ही हो गए हैं, अब आप जाना चाहते हैं तो आपकी मन, नहीं तो रखने के लिए हमको तो पूरा मन आप यहीं रह जाओ जब तक डिलीवरी नहीं हो जाता है, लेकिन घर से बार बार कॉल आ रहा है कि एग्जाम देने में तकलीफ हो रहा है, घर में कोई नहीं रह रहा है। हाँ, भाभी को सुबह भी सारा काम करके निकलना पड़े एग्जाम के लिए, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, और अभी हम ठीक है तो बस। दोस्तों आज के ब्लॉग हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।